उसका बयान लेने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने जिहड़ियां वीडियो क्लिप्स जिहड़ियां गवर्नर पंजाब ने फोरेंसिक लैब तो वेरीफाई कराइया ने उन्हों सामने कॉन्फ्रंट कराने की भी कोशिश नहीं की गई। उल्टा जिहड़ा एस आई टी का मकसद से पहले दिन तो सीगा कि किसी तरीके वो जिहड़ा शिकायतकर्ता है केशव उन्हों लो फड़ो कब्जा करो डराओ धमकाओ बाह मरोड़ो पैसे दो लालच दो मैनिपुलेट करो तो मिनिस्टर नू बचाउणा वा। ये भगवंत दे मान ने अपनी एस आई टी मुतलक जिहड़ा उन्हां दा फलसफा सीगा वो सारे पंजाब दे विच उस नू साबित कर दिता। अगली गल है कि जिहड़े टैक्निकल इशूज जिहड़ा उहदे क्रिमिनैलिटी है जो जुर्म है उत्ते उस तो पहला मैं पुछदा कि जिहड़ी इह बोकर पार्टी है ये हुण इहनां वास्ते कोई कदर कीमत रहेगी है कोई कोई म्यार जिंदगी दे विच मतलब कल नूं बलात्कार करेगा कोई किसी औरत का उन्हें भी बचाउणगे कोई डाका मारेगा कोई उहदी वीडियो पेश करेगा कोई घिनौने तो घिनौना जुर्म करेगा इहदा मतलब इहनां दा कोई म्यार नहीं रह चुका सब म्यार इहनां ने छिक्के ते टिंग टंग ते गिर चुके ने बिल्कुल। वो एक कोट है पुराना चोर उचके चौधरी तो अगली गल मैं कहना नहीं चाहता साड़िया भैन बैठिया यही हो रहा सारे पंजाब देखोगे मतलब कोई मोरैलिटी पॉलिटिक्स में कोई एथिक्स जिहड़ियां गल्लां वड्डियां वड्डियां केजरीवाल साहब हम तो अंदोलन से निकले हैं हम तो देश की राजनीति को परिवर्तन लेकर आएंगे ये जो गिरता हुआ म्यार है इसको सुधारेंगे सब उड़ डट गया वो असल में अपने वालों इन्होंने इस कहानी का अंत किया वा। परंतु मैं कहना चाहना कि हुण कटारू चक की लड़ाई जनता की कचहरी में हुण शुरू हुई है अज तो बाद क्योंकि जो तुम कोई इस्टैबलिशमेंट ना लड़ना सरकार ना लड़ना उन्होंने को बहुत बड़े मैकेनिज्म ने पुलिस है विजिलेंस है उन्होंने को होर तंत्र है कानून का सहारा जो बाबा साहब अंबेडकर मेरी फोटो टंगी भगवंत ने पिछे मेरे ख्याल वो भी बेचारे रोंदे होने टंगी फोटो जो पिछे थले देख के क्या की कर रहा बंदा फोटो मेरी टंगी हुई है तो शहीद भगत सिंह जी भी उन्होंने अखा जा जे वो जींदे होंगे तो रोंदे होना सीगा की कर रहा बंदा पग मेरी बनी हुई है तो करतूत इन्हों की कटारू चक वाली है। हुण मैं थोड़े टेक्निकलिटीज एस आई टी ने की कहा जी गल अखबार च आई अज एक कहते ने जी के क्यों ये असी इन्वेस्टिगेशन बंद कर रहे क्लीन चिट दे रहे कि केशव ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली मतलब आई पी एस ऑफिसर जुम्मेवार बंदे इन्नी गल भुल गए कि व्हेनेवर देयर इज अ क्राइम कमिटेड अकॉर्डिंग टू द आई पी सी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय बाबा साहेब अंबेडकर द क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट अदालत में आवाज पैंती है कटारू चक बनाम स्टेट इदा नहीं पैंती कि कटारू चक बनाम केशव वो सिर्फ सिविल दावे पैंती जो दो पार्टियां आपस झगड़ा कर मतलब पुलिस ऑफिसर है अपने ही आई पी सी अपने ही कानून छिके से टंग के कहते जी क्योंकि उन्हें कंप्लेट वापस ले ली इस करके असं हूँ करता कि केशव के कंप्लेट वापस लैन का गुनाह खत्म हो गया वा जो उन्हें अश्लीलता की जो बद फैलियां कीतियां जिहड़ियां वीडियो क्लिप्स के उत्ते जाहर हुईयां कि वह गुनाह खत्म हो गया वा और वीडियो क्लिप्स वो वीडियो क्लिप्स ने जिहड़े गवर्नर पंजाब ने चंडीगढ़ की फोरेंसिक लैब तो वेरीफाई करा के ऑथेंटिकेट करा के पंजाब सरकार नूं तीन चिट्ठियां लिखियां ने कि उहदा गुनाह खत्म हो जाता वा। फिर उन्होंने एक तर्क दित्ती जी कि यह मुंडा जिहड़ा हैगा वा यह कहिंदा जी कि मेरा फोन गुम हो गया सीगा वो फोन के नाल छेड़छाड़ हो सकती है मान लिया एक मिनट वास्ते कि फोन उहदे कोल है नहीं सीगा। जिहड़ियां वीडियोज़ आईयां मैं वीडियोज़ गवर्नर नूं हैंडओवर कीतियां गवर्नर ने उन्होंने फोरेंसिक लैब चंडीगढ़ सरकारी मंजूरशुदा एक टेक्निकल लैबोरेटरी तो मंजूर तस्दीक कराने बाद उन्होंने तीन चिट्ठिया लिखिया भगवंत मान को यह भी एस आई टी भुल गई कि असी वी आर ट्राइंग टू ओवरराइड द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर ऑफ पंजाब और ईवन ओवरराइड द अथॉरिटी ऑफ द फोरेंसिक लैबोरेटरी इस्टैबलिश्ड ये भी भुल गए। फिर कहते जी कि एस सी कमीशन असी इस करके जवाब लिख के भेजने क्योंकि जिहड़ा मिनिस्टर हैगा जिहड़ा बदफैली करता वह भी शड्यूल कास्ट है इस करके गुनाह नहीं बनता। इहदा मतलब है पंजाब पुलिस ने एक नवा सर्टिफिकेट जारी किया भगवंत सिंह मान की सरकार ने कि एक ताकतवर शड्यूल कास्ट जिहड़े मर्जी
गरीब शड्यूल कास्ट नूं फड़ के उहदा बलात्कार कर ले, उहदे नाल बदफैली कर ले, उहदे नाल धक्का कर ले, उहदियां लत्तां तोड़ दे, उहदियां बाहां तोड़ दे, उह कोई ऑफेंस नहीं क्योंकि दोनों ही एससी ने। लुक एट द लॉजिक, लुक एट जस्ट लुक एट द लॉजिक। इस तरह दियां तर्कां दे के सारे मामले च उन्होंने पर्दा पाया वा, पर यह पर्दा फ्रॉड का वा, ये बहुत ही देर रहना नहीं गा। और मेरा मानना वा कि चलो अज इन्हां दी सरकार है, ये वीडियोज़ का पब्लिक डोमेन में अगले पांच साल भी रहनिया वा, उस तो बाद भी रहनिया वा। कटारू चक नूं एक दिन अपने किए हुए गुनाहां की सज़ा भुगतनी पवेगी। ये मैं नहीं कहिंदा, ये इस देश का बनाया होया संविधान, इस देश का बनाया होया कानून, तो बाबा साहब अंबेडकर बनाया बनाया हुआ संविधान कह रहे हो। इस करके और मैं आई विल नॉट बी स्टंड, आई विल नॉट बी, तुम भी सारे आने वाले दिन देखना कि इन्हों के हुण यतन जो मैंने इनफॉर्मेशन दी, क्योंकि ये मुंडा इन्होंने पिछले 15 दिन तो अपने कब्जे किया हुआ, क्योंकि हुण सैशन आ रहा पंजाब की विधानसभा का, उस सैशन के कटारू चक के मसले को फेस नहीं सी कर सकते। इस करके उसकी टाइमिंग जी है पंजाब के विधानसभा के सैशन च अपना जरा गुनाह जरा लुको सकन, एक फर्जी फैसला एस आई टी तो लेके विधानसभा के सैशन में जा रहे हैं। और ये नाल नाल मैं कहना चाहना वा कि कोई वड्डी गल नहीं कि उल्टा विसल ब्लोअर्स के उत्ते मुकदमा दर्ज कर दें, बिकॉज मैंने जानकारी मिली कि उत्ते प्रैशर भी पाया जा रहा वो परिवार के कि तू कह के सब कुछ एक कराया साढ़े तो सुखपाल सिंह खेरा ने कराया, करा सकते इदा की मूर्खता है, कोई वड्डी गल नहीं। बट तुहाडी डोमेन च मैं रखना चाहना कि एक कहानी की सी, मेरे को वीडियोज़ पहुँचदियां ने, मैं वो वीडियोज़ नूं पहली तरीक नूं 1 मई नूं पंजाब दे गवर्नर नूं दिंदा वां, 2 तरीक नूं पहला मेरे ते परचा दर्ज हुंदा सवेरे एसटीएम कोल एक बोगस शिकायत लैके, किसी सरकारी मुलाजम तो कोई शिकायत लैनी किसी के खिलाफ कोई औखी है सरकार वास्ते, उन्हें तो बेचारे ने तनखा लैनी, नहीं तो वो तनखा बंद कर देंगे, वो बदली कर देंगे, उन्होंने सस्पेंड कर देंगे, वो की मजाल है मेरे पे मुकदमा दर्ज करता। जो मैं होर लड़ाई अगे वधाई तो जो उस मुकदमे मैं एंटीसिपेटरी बेल मिल गई फ्रॉम द सैशन कोर्ट कपूरथला, 12 तरीक में जो मैं इनवेस्टिगेशन ज्वाइन करनी कपूरथला, 11 तरीक रात को 1:40 देखने वाली गल है, 1:40 रात को मेरे से एक FIR होर दर्ज करती 11 तरीक की रात को, ताकि अगले दिन मैं किसी तरीके अरेस्ट किया जाए, मैं इंटरमीडिएट किया जाए। और कि FIR 51 साल पुराना रिकॉर्ड कढ़िया साढ़े परिवार का, मेरे साड़ी फैमिली का, वैन आई वॉज अबाउट 5-6 years old बेयरली, जो मेरी उम्र 5-6 साल की होगी, मेरे खिलाफ 51 साल रिकॉर्ड कट के FIR दर्ज कर दी। मेरी वाइफ का भी नाम इंप्लीकेट करता, मेरे पिता जी का भी नाम इंप्लीकेट करता, उस केस में भी मैं सैशन कोर्ट कपूरथला ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी। हूँ इन पेश नहीं जा रही, हूँ इदा का थर्ड कोई झूठा मुकदमा कर सकते हैं, फॉर विच आई एम मैंटली प्रिपेयर, आई विल फाइट इट आउट, कोई इदा की गल नहीं हैगी, क्योंकि झूठ अल्टीमेटली झूठ रहेगा। आ कटारू चक का सारा मसला, जी वोकर पार्टी कितों शुरू हुई कितने खत्म हुई है, और वो कहते होंगे ने पंजाबी एक कथन हैगा वा, पापी को मारने को पाप महाबले, ये अपना पाप का कड़ा एडा भर रहे ने जबरदस्त कि वो इस जितने कड़ा भर गया पापी आपे उड़ जाना। एक पहले हाकम नहीं आए कि जिन्होंने पुलिस का सहारा लिया, जिन्होंने लोगों को डराया, जिन्होंने धमकाया, अपने तो मगरले हाकमों का हशर देख लें की हो रहा वा, कोई अदालतों च फिर रहा वा, कोई बेचारा मायूस होया घर बैठा वा, किसी की जमानत जब्त हो गई है, बट भगवंत सिंह मान आई बिलीव डजंट वॉन्ट टू लर्न अ लेसन। दूसरा इस ही मुद्दा अच्छ मैं कर देना, हालांकि मैं कल सोचा सगा बट रोज़ रोज़ करना मुश्किल हो जाता, वो की कहने होंगे चौकीदार ही चोर निकलिया, एक चौकीदार रखे पंजाब के लोगों ने 92 चौकीदार लभे, वो चौकीदार ही चोर, ये चोर कौन है लेटेस्ट जगराओं के आम आदमी पार्टी के MLA एक बीबी है सरबजीत कौर, उसने एक NRI परिवार जो कैनेडा तो आया 1000 किलोमीटर दूर चल के 1000 मील, उन्होंने एक बुजुर्ग माता अमरजीत कौर, उन्होंने एक परिवार की नूह
कुलदीप कौर धालीवाल वो पिछले 10 दिन तो ठोकरा खा रहे ने सरकारी बिल्डिंगा दी डीसी एसएसपी एसपी डीएसपी भगवंत मान का ओएसडी चंडीगढ़ जगराओ और सरबजीत कौर मान ने मानुके ने एमएलए ने आने की क्या बात के दो तरह की लड़ाई हैगी है इन्होंने दोनों चो एक झूठा वा एक तो परचा होगा हुई शी